हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्शंस, इथानामाइड टू मिथानामाइड। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इथानामाइड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे हम मिथानामाइड को कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे होता है। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये क्या करता है, ये स्टेप डाउन करेगा बाय वन कार्बन और ये प्रोड्यूस करता है अमाइड से अमाइंस बाय लॉस ऑफ CO2, और ये CO2 जाकर रिएक्ट करता है हॉफमैन ब्रोमाइड के रिएजेंट के साथ। तो हम ये देखते हैं क्या होगा इस पर्टिकुलर कन्वर्शन में। हमको बोला इथानामाइड से मिथानामाइड बनाने को, तो इथानामाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। तो इसके साथ क्या होता है, इसके साथ रिएक्ट करता है ब्रोमीन इन KOH और ये रिएक्ट करने के बाद जो देता है ये होगा CH3NH2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो CO था ये इथानामाइड में, वो स्टेप डाउन होके ये CO जो था ये स्टेप डाउन होके बाहर आ जाता है और ये चला जाता है इसके साथ, ये जो पोटेशियम है इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, ये 4KOH होगा। हीट के बाद ये देगा CH3NH2 plus 2KBr plus K2CO3। तो ये जो कार्बन बाहर आया ये इसके साथ रिएक्ट करके K2CO3 बनाया और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी फॉर्म्ड। तो हमारा क्या हो गया कन्वर्शन, इथानामाइड से मीथान अमाइन हमको मिल गया। सो दिस इज हाउ बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन वी विल कन्वर्ट इथानामाइड टू मीथान अमाइन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।